तो क्या हाल है दोस्तों, ब्लडी सत्य की दुनिया में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुत मतलब बहुत टायर्ड वाला दिन है, पूरा टायर्ड हल्ला फील हो रहा है हमको, क्योंकि जो हमने कल अपनी शॉर्ट फिल्म कंप्लीट कर चुके हैं, पायल की शूटिंग पूरी हो चुकी है और उसका ट्रेलर भी अब आप देख सकते हैं ब्लडी सत्य में। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, अभी जिया भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गया और हम लोग जा रहे हैं थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। मेरे मोबाइल का जो कवर है ये काफी ज्यादा खराब हो गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा कवर टूट चुका था मोबाइल, लेकिन इसने बचाया बहुत मेरे मोबाइल को। जितनी बार मोबाइल गिरा है इसके कवर के ऊपर ही इफेक्ट आया, तो ये बहुत अच्छा कवर था। और अब हम लोग लेने जा रहे हैं कुछ अच्छा वाला कवर, और भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करना है। और बस हालत तो बहुत खराब हो चुकी है इस लॉकडाउन में यार। देखो तो मैं मतलब कपड़े ढूंढने में ही बहुत प्रॉब्लम हो गई, मतलब क्योंकि मुझे कपड़े मिल ही नहीं रहे मेरे साइज के। देखो मतलब ये क्या है यार, शर्ट देख सकते हो, शर्ट मैं ताकत से अगर ऐसा कर दिया ना तो ये पीछे से फट जाएगी शर्ट, मतलब ये लिटरली ये कंडीशन मेरे हो चुकी है। मैं भी मोटी हो गई हूँ और मेरे भी कपड़े टाइट हो रहे हैं। पहले बात बता दो, लॉकडाउन में सब लोग खा खा सब लोग लगभग मतलब ज्यादा लोग ही मोटे हो गए होंगे, क्योंकि मेरे जो कपड़े होते थे मुझे मेरे जीन्स नहीं जा रहे हैं। मेरे जो शॉर्ट्स है, जीन्स है, जो मेरे टॉप है वो भी मेरे टाइट होने लगे अभी। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अभी बाहर जाने से थोड़े कपड़े भी शॉपिंग कर लेंगे। शॉपिंग का ज्यादा दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा गंदा है, मुझे नफरत है इस मौसम से। इतनी और गर्मी है, गर्मी पसीना आ रहा है, अभी भी पसीना इतनी गर्मी। जैसे आप लोगों को हमेशा बताया ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सोचा आप लोगों से यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। और यार बस आज मैंने अपने आप को देख के डिसाइड किया है कि थोड़ा सा अब अपने बॉडी में चेंजेस लाने हैं, तो मैं करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब क्या होगा कि मैं अपने आप को 30 डेज का चैलेंज दे रहा हूँ। इस 30 डेज के चैलेंज में मैं अपने बॉडी में चेंजेस लाने के लिए लग जाऊंगा 30 दिन में। तो ये मेरा ऐसा तो नहीं है ना कि न्यू ईयर आता है तभी न्यू ईयर रिवॉल्यूशन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम कभी भी ले सकते हैं। और मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं कल से ही शुरू कर रहा हूँ, आज से क्यों नहीं, क्योंकि आज तो पूरा दिन निकल गया, शाम के 6 बजने वाले हैं, इसीलिए कल से शुरू होगी मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी। मैं बोल बहुत बार चुका हूँ अपने वीडियोज में, इन कल से खतरनाक वाली एक्सरसाइज शुरू, 30 दिन बाद आपको डिफरेंट मी देखने मिलेगा दोस्तों। डिफरेंट करना चाहिए क्या? तुम भी करो, एब्स वेब्स लेके आओ, एब्स लेके आओ, ठीक है, सोचती हूँ कर लूंगी एब्स का। मुझे ना बहुत फूडी हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे ना जो ये जो खाता है ना, मैं कभी खा के जिंदा नहीं रह सकती दुनिया में। ये कुछ भी उबले हुए एग्स खाता है, उबली हुई चीजें, ये स्प्राउट्स खाता है, मैं वो सब खा के जिंदा रह नहीं सकती। मुझे पिज्जा बर्गर मतलब मैं ना बहुत फूडी में कुछ भी अच्छी चीजें चटपटी चीजें खानी रहती है। नहीं लेकिन और जो एब्स लाना भी, जो मैं खाता हूँ उसके वो एब्स के काम नहीं आएंगे। एब्स के लिए ना आपको पानी बहुत कम करना पड़ता है, उसके बाद नमक बहुत कम करना पड़ता है, तो ये सब पॉसिबल नहीं है यार। पानी छोड़ना मतलब ऐसी सिचुएशन है, जो टाइम चल रहा है कोविड का, इस टाइम में तो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लो अपने बॉडी में, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो पानी छोड़ने से कोई फायदा नहीं, और एब्स का मुझे उतना ज्यादा शौक नहीं है। मुझे फिट वैल्यू होना चाहिए, मतलब फिट होना चाहिए, पूरा कोर एकदम टाइट होना चाहिए, और जो बाकी का ओवरऑल है, ओवरऑल मेरा अच्छा है, मेरा गेन है, अच्छा खासा गेन है, इसको मुझे टोन करना है खाली। तो इसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, इसलिए मैं श्योर हूँ कि 30 दिन में पूरा बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन दिख सकता है। और जी तुमको क्या लगा तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन 30 दिन का, तुम भी तो चैलेंज करो। मैं दिखाऊंगी, मेरे जो फोटोज डालोगी इंस्टा में वो सब आप देखना, मैं तो करूंगी, क्योंकि मुझे भी एब्स का मतलब उतना शौक नहीं है, क्योंकि उसके लिए नमक छोड़ना और पानी तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती, प्रॉब्लम हो जाती है पानी छोड़ने के बाद। और एब्स वाले के लोगों के देखना ये गाल वाल कैसे अंदर रहते, मतलब अंदर रहता है, और बहुत ऐसा मतलब फेस पे ग्लो चले जाता है, ग्लो चार्म नहीं रहता, जो चार्म रहता है ना वो हेल्दी लोगों के फेस पे ही रहता है। तो इसलिए बहुत टाइम बाद बहुत मुश्किल से मेरा वेट गेन हुआ है, तो इस चार्म को मैं जाने नहीं दूंगा, और इसी के साथ मैं अपनी बॉडी को टोन करूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारा रिजोल्यूशन तो हो चुका है आज से फिक्स, कल से हो जाएगी शुरू एक्सरसाइज बहुत अच्छे से। टेंशन बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे ही पूरा जिम का सामान है, तो मैं घर पे ही करूंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वीडियोस भी दिखाऊं, मैं भी आ जाऊंगी करने, इतना परफेक्ट तो नहीं कर पाएंगे। हाँ तुम भी आ जाया करना, टाइम फिक्स कर लेंगे, इतना परफेक्ट तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन हाँ जैसा हो रहा है वैसा हम लोग कर पाएंगे रेगुलरली, धीरे धीरे कुछ वीडियोस देख के, कुछ एप्लीकेशंस की मदद से, है ना। ब्लॉगर पूजा आप कुछ कहना चाहेंगे? ये देखो फोन आ गया किसी का, बोलिए। आप एक्सरसाइज करेंगे कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ करूंगी, मैं थोड़ा टाइम लूंगी।
उसके बाद आप प्लीज मेरे वीडियो में जाएं एंड मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, ब्लॉगर पूजा को लाइक करो, सब्सक्राइब करें। और तो ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, और अगर मुझे भी पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों तक एक मन में बात आई, मन की बात ये थी कि 30 डेज चैलेंज तो बहुत खेलते हैं हम लोग, एक दूसरे के ऊपर चैलेंज करते हैं, फन चैलेंजेस करते हैं। 30 डेज चैलेंज हम लोग खुद को देते हैं, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का, जीएनए भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज ली है। अब आप लोग क्या 30 डेज चैलेंज लेते हैं, अब देखते हैं कि आप में से किस किस में इतनी हिम्मत है, कौन कौन इतना, मतलब वो अपने अंदर बहुत क्यूरियोसिटी, बहुत ज्यादा फोन आ रहा है ये, किसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, जो अपने आप में चेंजेस देखना चाहते हैं, तो वो कोई भी चैलेंज हो सकता है। मतलब 30 दिन में अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप इंग्लिश सीखो, और हिंदी अच्छे सीखना है, हिंदी सीखो, मराठी सीखना है मराठी सीखो, मतलब 30 दिन में आप क्या चेंजेस ला सकते हो। आपको खाना बनाना सीखना है, आपको डांस सीखना है, आपको गाना सीखना है, तो शुरुआत कर देते हैं कल से। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग क्या रेजोल्यूशन ले रहे हो आज से, और आज से ही मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 जनवरी न्यू ईयर से लिया जाए, कभी भी ले सकते हैं यार, ये तो एक बहाना है। मतलब जो लोग आलसी होते हैं ना, बोलते मंडे से करेंगे, मंडे से, ट्यूसडे से करेंगे, वेडनेसडे से करेंगे, और धीरे धीरे करते करते ऐसे ओके नेक्स्ट मंडे से करेंगे, धीरे धीरे करते करते पूरा टाइम खत्म हो जाता है फिर। और जो लोग आलसी होते हैं ना, ये उनका बहाना होता है कि मंडे वाले कल वाले तो ये बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो बोलते हैं ना नेक्स्ट ईयर से करेंगे, वो बहुत बड़े आलसी लोग होते हैं, वो एक्सक्यूजेस होते हैं। फिटनेस को खुद के लिए, खुद के अंदर चेंजेस लाने के लिए कोई समय नहीं होता है, और आप खुद के अंदर चेंजेस लाओगे तो आप और ज्यादा स्मार्ट बनोगे। स्मार्ट मतलब दिखने से नहीं होता है, स्मार्ट मतलब होता है आपकी पर्सनालिटी से आपके अंदर चेंजेस आएंगे, और किसी के भी पर्सनालिटी में कुछ अच्छे चेंजेस आते हैं तो स्मार्ट ही लगता है। तो आज की दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब, क्योंकि दिखावे की दुनिया है, और अगर हम इस दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और कहते हैं ना कि इस दुनिया में चल रही है एक रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कुचल दिए जाओगे, तो इट्स बेटर तेज भागो, और इतना तेज भागो कि ऐसे ऐसे लोगों को पीछे कर दो जो आप लोगों को देख के सोचते थे अरे ये क्या कर पाएगा जिंदगी में, उनको दिखा दो। ऐसे लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को कुछ करके दिखाने की जरूरत है। मैं इसीलिए हमेशा अपने सारे वीडियोस में आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूं, और आप लोगों को बताते रहता हूं कि आप लोग ये करो वो करो, कुछ ना कुछ करो, बस खाली मत बैठो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, और खाली अगर आप खाली को मतलब टाइम को भी खाली छोड़ेंगे ना तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, शैतान से भी बड़ा दुश्मन बन जाएगा। तो इट्स बेटर कुछ ना कुछ करो और आगे बढ़ते रहो, जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जो आपने चाहे हो। बस एक बार रिजल्ट्स का वेट मत करना, मेहनत करते रहो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, खैर अपने सपने खुद पूरे करो, खुद पूरे करो। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग था, थोड़ा ज्ञान देने वाला वीडियो था, लेकिन बस सुबह से उठ के शांत था मन, 4 बजे सोया और 1 बजे करीब उठा, मैं 2 बजे तो बस आज इस तरह से, मतलब जब हम लेट उठते हैं तो दिमाग थोड़ा शांत रहता है, और जब शांत दिमाग रहता है तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो उठते से ये ख्याल आया क्योंकि कल का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, हम लोगों ने बहुत अच्छा शूट किए, ये किए वो किए, तो मैंने सोचा जब एक दिन हम थोड़ी मेहनत करते हैं और वो काम की मेहनत होती है तो इतना अच्छा लगता है, तो हम रोज करेंगे तो हमारा लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, कितनी अच्छी हो जाएगी लाइफ। हम लोग जो बैठ के मूवी देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कुछ करते हैं, करो सब करो, लेकिन सबका एक फिक्स टाइम रखो। बस बहुत ज्यादा लंबा ज्ञान हो गया, मुझसे जुड़े रहना चाहते हो, जिया से जुड़े रहना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों की इंस्टाग्राम हैंडल्स की आईडी है, लिंक पर क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे, स्क्रीन पर दिख रही है। इस वीडियो को शेयर कर देना ऐसे लोगों के साथ जो आपके बहुत ज्यादा नजदीकी है, और आप लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो लोग भी मोटिवेट हो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। बस यही कहूंगा, इसी वीडियो के साथ, इसी ज्ञान के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। अगले वीडियो में बहुत ही कमाल के इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। पायल का ट्रीजर देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, बहुत कमाल का है, फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।